काम के लिए बना रहे हैं, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। यहाँ जयपुर में मेरे बहुत प्रोग्राम हुए हैं, इसलिए बहुत अधिक लोग सीधे होंगे। काफी अरसे से आया हूँ, इसलिए बहुत नए लोग भी जुड़े हैं। योग की आज विश्व में बहुत तेजी से चर्चा है, मगर योग के नाम से जो शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उससे भारतीय योग दर्शन वर्णित योग का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय योग दर्शन का तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, मोक्ष सालवेशन। परंतु आज जितने भी योगाचार्य हैं वो मोक्ष की कल्पना ही नहीं कर सकते, केवल शारीरिक कसरत करवाते हैं। मैं 3 दफे अमेरिका गया, 1 दफे इजराइल गया, वहां भी वही शारीरिक कसरत हो रही है। तो मैं जिस योग की बात करता हूँ वो सिद्ध योग है। सिद्ध योग स्वामी रामदेव जी करवा रहे हैं, वो एक आठ योग है। इससे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो फिजियोथेरेपी कराता है वो ज्यादा करेक्ट है। ये इसको महायोग भी कहते हैं। इसमें सारे योग सम्मिलित है, आठ योग, लय योग, जप योग, ध्यान योग सारे, इसलिए इसको महायोग कहा है। एड्स और कैंसर की बीमारी ठीक हो रही है, इसलिए साइंस बड़ा परेशान है। और ये सत्य भी आज तक कैंसर का तो किसी हद तक वो इलाज कर पा रहे हैं, मगर कीमोथेरेपी देने के बाद में फिर वो नहीं बचता है। कई बचे हैं, मेरे शिष्य के बचे हैं कैंसर, मगर एड्स से जिसने दीक्षा ले ली वो नहीं मरा। ये इसलिए हैरान है। तो मैं भी एक गृहस्थी आदमी हूँ, रेल में नौकरी करता था, 11/4/55 से 30/6/87 तक रेल की नौकरी की। फिर गुरुदेव ब्रह्मलीन होने से पहले आदेश करके कि अब आगे काम तेरे को करना है, तो मैंने 1990 से ये काम करना शुरू कर दिया, मंत्र दीक्षा देना शुरू कर दी। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ, उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी उसको मदर ऑफ यूनिवर्स कहा है, हमारे दर्शन में मतलब सृष्टि उत्पत्ति का आदि कारण वो है। आप नवरात्रि मुझे देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा की, अम्बा की, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कहा है। वो 3.5 आटे लगा करके तुम को अपने मुंह में दबा करके अचेतन अवस्था में रखे, मतलब डोरमेंट पोजीशन में, आपके शरीर के आखिरी हिस्से में जैसे डॉक्टर सेक्रम कहते हैं उसमें सोई हुई रहती है। तो अगर सिद्ध योग है, मतलब गुरु का दीक्षित है, आज जितने भी है ना उनके कोई गुरु नहीं है, समझे। तो उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी साधक का शरीर, मन, प्राण और बुद्धि अपने बस में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। साधक उसको न तो कर सकता न रोक सकता, वसुंधरा सरकार ने मेरे खिलाफ FIR करवा दी भी करने लगी। वो एड्स ठीक करने का झांसा दे रहा है, थाने में करवाई जाए। दिगंबर सिंह जी ने, मैंने सारे पेपर SHO को दे दिए, उसने इंक्वायरी करके मेरे फेवर में FIR दे दी। मगर वो जिस डॉक्टर को हाजिर होना था वो हाजिर नहीं हुआ। वो दिगंबर सिंह जी डर रहे कहीं ये मेरे खिलाफ मान आने का दावा नहीं करते।
मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं किसी के दावा करने के लिए मान लेता। अशोक गहलोत के घर में मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में 2 पेशेंट एडमिट थे मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में, अशोक जी के गृह राज्य में, एक भंवरलाल दूसरा बद्री। भंवरलाल ने तो केवल मंत्र दीक्षा ले से ठीक हुआ हो, मगर बद्री केवल मेरी तस्वीर से ठीक हो गया, समझे? तो मुझे उम्मीद है गहलोत साहब जरूर इंक्वायरी करेंगे। वसुंधरा ने तो इंक्वायरी करवाई थी, डॉक्टर अरविंद माथुर वहां जो मद्रास माथुर हॉस्पिटल में है वो कैंसर राइट का इलाज करते हैं, वो मेरे शिष्य हैं। वो आए तो हमारे संस्था, मेरी संस्था एक रजिस्टर संस्था है देवस्थान विभाग से, जो कर रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी है मेरी। तो करीब 500 केस मैंने HIV पॉजिटिव के नेगेटिव करके रनबैक रिपोर्ट के साथ वसुंधरा सरकार को दे दी। डॉक्टर साहब आए तो हमारे राम जी ट्रस्टी होते उन्होंने कहा जी आपको दो तो आपके केस हैं, मोहनलाल का और बद्री का। उन्होंने कहा जी और केस बताओ, कर लगे ये हॉस्पिटल थोड़ी है, आपके दो केस है उनको हाजिर कर देंगे। वो चले गए और जाके वसुंधरा को लिख दिया कि संस्था मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो लोगों ने उसको कहा अरविंद माथुर को, यहाँ जयपुर में आपके एक दिनेश माथुर है, दिनेश माथुर वहां मेरे शिष्यों को, और कहा था जी मेरे तो मतलब संस्था है और बहुत पॉपुलर हो, गुरु जी को कह दो इनको फ्री दीक्षा नहीं दे, आते आते कर लेंगे यही आपके वहां दिनेश माथुर। तो ये एक ऐसा अजीब परिवर्तन आ रहा है जो आज तक नहीं आया है। मैं आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूँ, एक दफे बीमार हो गया, बीमार हो गया, फोबिया हो गया, मतलब अकारण मृत्यु से डर लगने लग गया। मेरे मित्र थे श्रीराम दुबे, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने कहा कोई यो आप तक कौन सा फैटल अटैक क्यों करेगा, मगर मेरे को बहुत डर लगता था मौत से, मैं नौकरी मुद्दा छोड़ के गाँव चला गया। दुबे जी ने कहा आपको मार केस की दशा है। मैं नहीं जानता था मार केस क्या होता है, जब उन्होंने बताया कि ये तो आपका मतलब थोड़े दिनों बाद करने वाला पहले खुशीबानी है मार केस का मतलब, मैंने कहा ये तो सभी को आएगा। फिर उन्होंने कहा इससे बचा भी जा सकता है, मैं कैसे करने का महामृत्युंजय का जब करो, वो मेरे से होना संभव नहीं था, बड़ा अजीब कर्म कांड था। मैंने कहा दुबे जी आने दो आपके स्मरण से, पकड़ लगा गायत्री से भी हो सकता।